हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं, जिसको हम सच्चिदानंद घन कहते हैं, सारा संसार राम 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 कहता है, जिसके नाम का स्मरण करता है, वह है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा भरत 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 कहता है। कल के प्रवचन में मैंने ये आपको बताया था, मतलब गत दिवस बताया था कि भरत जी अपनी इच्छा से ननिहाल नहीं गए थे। भरत जी को तो भगवान राम ने ही भेजा था। भरत जी महाराज दशरथ के कहने से भी नहीं गए थे कश्मीर, कैकेयी जी के कहने से भी नहीं गए, किसी के कहने से नहीं गए, केवल प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करके गए। भरत जी ने ये तर्क नहीं किया कि आप क्यों भेज रहे हैं, आज्ञा मिली वो चल दी। यही विशेषता है भरत जी की, वो सेवक की भूमिका में हैं। सेवक को कभी स्वामी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, और बस सिरोधार्य करना है। भले ही और सेवक निर्वाह न कर पाए, लेकिन भरत जी महाराज तो निर्वाह करते हैं। इसलिए भरत जैसा तो कोई महान है ही नहीं, भरत जैसा कोई महान नहीं। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, अपने स्वामी की आज्ञा ही सर्वोपरि है। यही संतान को भी करना चाहिए, माँ बाप की आज्ञा सर्वोपरि है। ये बात अलग है कि पुराने जमाने में माँ बाप उतने पढ़े नहीं हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप शिक्षा की क्रांति में बहुत योग्य हैं, लेकिन प्यारे आप में सोचने समझने की क्षमता है, लेकिन नहीं, माँ बाप ने भी कुछ समझ के ही आपको आज्ञा दी है। ऐसा नहीं, उनके हृदय में कुछ अरमान हैं, वो आज्ञा मानी उनके अरमान निकल रहे हैं। माँ बाप कभी अनुचित आज्ञा नहीं देते, इसलिए वशिष्ठ जी को कहना पड़ा, अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुवें। इसलिए संतान को चाहिए कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, शिष्यों को चाहिए कि गुरु आज्ञा का पालन करें, सेवकों को चाहिए कि स्वामी की आज्ञा का पालन करें, भक्तों को चाहिए कि भगवान की आज्ञा को श्रोधार्य करें। ये परम धर्म है, इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं। ये मत मानना कि कथा सुनने की परंपरा चली आ रही इसलिए उसका निर्वाह कर रहे हैं, नहीं प्यारे, कथा सुनना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि भगवान की कथा एक नाव के रूप में है। किसके रूप में है? नाव के रूप में है। और ईमानदारी से बताओ, प्रत्येक प्राणी को भवसागर पार करना है कि नहीं, करना है कि नहीं करना है, सबको करना है। तो बिना नाव के क्या सागर पार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप कहोगे महाराज हम तो पढ़ लेंगे, ग्रंथ जो है पढ़ लेंगे, किसी के पास जाने की क्या जरूरत है, किसी आचार्य के पास, किसी संत के पास जाने की क्या हो सकता है, हम तो स्वयं ग्रंथ पढ़ लेंगे, पढ़े लिखे हैं प्यारे, पढ़े लिखे हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, लेकिन ग्रंथ पढ़ने से काम बनने वाला नहीं है। जब तक सदगुरु के मुख से, संत के मुख से कथा नहीं सुनोगे, क्योंकि नाव में बैठ जाना ही पर्याप्त नहीं है, नाव को चलाने वाला तो नाविक ही होता है। बैठने वाले सभी कहने लगे हम भी नाव चलाना जानते हैं, वो कहे हम भी नाव चलाना जानते हैं, तो नाव डूबी जाएगी, नाव चलेगी नहीं। नाव को केवल एक ही व्यक्ति चलाएगा, वो लोग चलाएगा कि नहीं चलाएगा, वो केवट होगा, वो केवट उसी के हाथ में, भले ही सब चलाना जानते हो लेकिन सब नहीं चलाएंगे, उसको एक ही चलाएगा।
इसलिए भवसागर से यदि पार होना है तो राम कथा रूपी नाव में बैठना ही पड़ेगा, तभी आप भवसागर पार कर पाओगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए भव सागर चह पार जु पावा, तो राम कथा ताका दृढ़ नावा। इसलिए केवल परंपरा ढोना नहीं है, इस परंपरा को स्वीकार करना, इस कथा को स्वीकार करना हमारे जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हमारी मजबूरी है, हमें सुनना पड़ेगा, राम कथा रूपी नाव में बैठना ही पड़ेगा। इसलिए वो आचार्यों ने एक नियम बनाया है।